हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम बैंगन और बड़ी से बैंगन का भरता बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा बड़ी और बैंगन ये है। देखिए बैंगन में इस तरीक़े से ठोक लगाना है चारों तरफ से। ये देखिए, इतना ज़ोर से भी मत पीट दीजिएगा कि बैंगन फट जाए, उसका ध्यान रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, बैंगन कितना अच्छी तरह नरम हो गया है। अभी क्या करेंगे, इसको हम चारों तरफ चीरा लगाएंगे। ये देखिए, ये चाकू ले इस तरीक़े से हम लेके अब इसके चारों तरफ हम चीरा लगा देंगे। चिरा इसलिए लगाएंगे दोस्तों, हम जब पकाएंगे इसको तो अच्छी तरह पक जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हम चारों तरफ चिरा लगा दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके ऊपर हम अभी सरसों का ऑयल लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीक़े से बैंगन के ऊपर सरसों का ऑयल लगा देना है, इस तरीक़े से चारों तरफ। ये देखिए, उसके बाद दोस्तों इसको अच्छी तरह हाथ में लेके उसको अच्छी तरह उसको बैंगन को ऊपर तेल लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा अभी ये गैस ऑन कर दिया हमने। अभी बैंगन को हम इसके ऊपर डाल के इसको पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा बैंगन जो है पक रहा है। इस तरीके से दोस्तों चारों तरफ से बैंगन को अच्छी तरह पका देना है। अभी दोस्तों हम चेक करेंगे दोस्तों, बैंगन हमारा ठीक से बॉयल हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों, हम चाकू लगा के चारों तरफ चेक कर लिया कि बैंगन हमारा बॉयल हो गया, सिझ गया। अभी क्या करेंगे दोस्तों, बैंगन को हम अभी निकाल के ठंडा करने के लिए रख देंगे। अभी ये दोस्तों हमारा पैन गर्म हो रहा है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अभी सरसों का तेल डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, हम अभी सरसों का तेल इसके ऊपर डाल दिया। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर बॉडी डाल के बॉडी को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा बॉडी अभी फ्राई हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। अब देखते रहिए, बॉडी अभी फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह। अच्छी तरह लाल हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको अभी हम ये दोस्तों हो गया, अभी ये हम निकाल दिए हैं। देखिए इस तरीके से बॉडी हमारा फ्राई हो जाएगा। अभी क्या करेंगे दोस्तों, बैंगन हमारा ठंडा हो गया है। अभी चलिए हम बैंगन को अभी छिलका को उतार देंगे। इस तरीके से बैंगन को छिलका को उतार देना है। अभी छिलका को उतार देने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, अभी इसके एक चाकू से लेकर चिरा लगा देना है और इसको ठंडा कर देंगे। ठंडा इधर ठंडा हो रहा है दोस्तों बैंगन हमारा। अभी क्या करेंगे, बॉडी को हेमदस्ता लेंगे, इसको हम कूटेंगे। अभी बॉडी के ऊपर देखिए दोस्तों, हम लहसुन डाल दिया, हरी मिर्ची डाल देंगे दोस्तों, और इसके ऊपर क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा नमक डाल देंगे। अभी क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम कूटेंगे इस तरीके से। देखिए ये देखिए दोस्तों, अब इस तरीके से उसको कूटना है। और देखिए दोस्तों, इस तरीके से बन जाएगा हमारा बॉडी। ये हमारा बॉडी चूरा बन के रेडी हो गया। अब इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अभी क्या करेंगे दोस्तों, ये बॉडी चूरा को लेकर हम क्या करेंगे, जो बैंगन हम जला के रखे थे साफ़ सुथरा करके, अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर हम इसको डाल देंगे और अच्छी तरह उसको मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरा बैंगन के साथ बॉडी जो है हमारा, जो चूरा बना के बनाए थे, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अभी क्या करेंगे दोस्तों, इसके ऊपर सरसों का ऑयल डाल देंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखिए देखो दोस्तों, कितना अच्छी तरह मिक्स हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है और खाने में भी बड़ा मज़ेदार लगता है दोस्तों। आप भी ऐसे कीजिए, इस तरीके से बैंगन और बड़ी को जो है दोस्तों भरता बनाइए और खाइए दोस्तों। और कैसे लगा बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय दोस्तों, जय जगन्नाथ।